Hello students, today in this video I am going to teach you class 12th chapter 5th and our topic is some important points of continuity. And we will use these points to find out the point of discontinuity in various questions. Now these are some functions that are continuous everywhere. तो आपको देखते ही जब आपको ये सारे फंक्शन दिखाई देंगे कुछ क्वेश्चन के अंदर तो आप देखते कह सकते हो कि ये फंक्शन हमारा एवरीवेयर कंटिन्यूस है. फर्स्ट वन इज कॉन्स्टेंट फंक्शन मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है, मान लीजिए के हो गया या एफ एक्स इज इक्वल टू फाइव हो गया. इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं वो एवरीवेयर कंटिन्यूस होते हैं. आइडेंटिटी फंक्शन इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इस टाइप के फंक्शन को कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन. और इस टाइप के फंक्शन भी एवरीवेयर कंटिन्यूस होते हैं. पॉलीनोमियल फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टेन. सच टाइप ऑफ फंक्शंस आर पॉलीनोमियल फंक्शंस, दीज आर आल्सो कंटिन्यूस एवरीवेयर. मॉडुलस फंक्शन, तो मॉडुलस फंक्शन में मॉडुलस एक्स मॉडुलस एक्स माइनस से, इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं वो भी एवरीवेयर कंटिन्यूस होते हैं. नेक्स्ट वन एक्सपोनेंशियल फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स ई की पावर एक्स टेन की पावर एक्स एंड सो ऑन. सच टाइप ऑफ फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दीज आर एवरीवेयर कंटिन्यूस. एंड साइन कोसाइन फंक्शंस इफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स तो ये एवरीवेयर कंटिन्यूस होगा. इफ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स तो ये भी एवरीवेयर कंटिन्यूस होगा. सो सच टाइप फंक्शंस इन्हें आप एक बार में देखते ही कह सकते हो कि ये फंक्शंस कहीं डिसकंटिन्यूस नहीं होंगे, ये फंक्शंस हर एक रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूस होंगे. Now this is the second point, and these are the functions which are continuous in their respective domain. See, ये जो functions हैं, ये आपको याद रखने हैं कि ये functions everywhere continuous नहीं होते हैं, ये केवल अपने domain में ही continuous होते हैं. जैसे आपका पहला दिया गया है logarithmic function, तो logarithmic function मान लीजिए f x is equal to log x. तो ये जो function है log x, ये x is greater than 0 के लिए डिफाइन होता है. जो भी log की वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होती है. इसलिए ये जो फंक्शन है ये अपने ही डोमेन मींस द वैल्यू ऑफ x greater than 0 केवल उसी के लिए ही कंटिन्यूस होगा. रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन मान लीजिए आपको कोई फंक्शन गिवन है fx / gx, इस टाइप के फंक्शन को रेशनल फंक्शन कहते हैं. ये भी एवरीवेयर कंटिन्यूस है. जहां जी एक्स जीरो के इक्वल हो जाएगा तो वहां ये कंटिन्यूस नहीं होगा. हेंस एफ एक्स और जी एक्स भी केवल अपने रेस्पेक्टिव डोमेन में ही कंटिन्यूस होगा. सेम टेन कॉट सेक कोसेक, ये जो फंक्शंस होते हैं ये भी अपने रेस्पेक्टिव डोमेन में ही कंटिन्यूस होते हैं. बिकॉज दीज आर नॉट डिफाइंड एट सम वैल्यू ऑफ एक्स. सी अगर बात करते हैं टेन एक्स की, एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स गिवन हमें, तो टेन एक्स टेन जो जो टेन होता है वो नॉट डिफाइंड होता है व्हेन एक्स इज इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू व्हेयर एन बिलोंग्स टू जेड. तो इस वैल्यू के लिए एफ एक्स आपका नॉट डिफाइंड है, टेन एक्स नॉट डिफाइंड है, दैट्स व्हाई इट इज कंटिन्यूस ओनली इन इट्स डोमेन. सेम हियर फॉर कॉट, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स, तो कॉटेक्स में जो x की वैल्यू होगी वो बिलोंग नहीं करनी चाहिए n पाई से. अगर कॉट की वैल्यू n पाई से बिलोंग करेगी तो कॉट आपका नॉट डिफाइन होगा. सेम sec के लिए, sec के लिए भी 2l प्लस 1 पाई बाई 2 x की वैल्यू यही हो सकती है, एंड cosec की वैल्यू n पाई के इक्वल नहीं हो सकती है. सिमिलरली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स, ये सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी अपने रेस्पेक्टिव डोमेन में ही कंटिन्यूस होते हैं. इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूस ऑन देयर कॉमन डोमेन, अगर एफ एक्स और जी एक्स तो फंक्शन है और ये अपने कॉमन डोमेन में कंटिन्यूस हैं, तो दोनों फंक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन या दोनों फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन या एक फंक्शन का दूसरे से डिविजन जिसमें डिनोमिनेटर जीरो इक्वल होना चाहिए और किसी फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन का कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे तो ये जो फंक्शन बन के आएंगे तो ये भी फंक्शन
उस डोमेन के लिए कंटिन्यूअस होंगे। सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन इन विच वी हैव टू फाइंड आउट ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx वेयर fx इज डिफाइंड बाय 2x + 3 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड fx इज इक्वल टू 2x - 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। सो हियर वी हैव टू फाइंड आउट द ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मींस x की किस किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस होगा। सो x इज अ रियल नंबर, x इज रियल नंबर है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है जहां पर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। सो केस फर्स्ट, हम लोग केस फर्स्ट को देखते हैं व्हेन x इज लेस देन 2। यहां तीन केस बना लेंगे, एक बार जब x की वैल्यू 2 से छोटी है, एक बार जब x वैल्यू 2 से बड़ी है और जब x जो है 2 के इक्वल है। तो जब x वैल्यू 2 से छोटी है तो fx की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2x + 3 एंड दिस इज द पॉलीनोमियल फंक्शन। पॉलीनोमियल फंक्शन इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर। सो पॉलीनोमियल फंक्शन जब एवरीवेयर कंटीन्यूअस है तो x इज लेस देन 2 के लिए कंटीन्यूअस होगा। सो fx इज कंटीन्यूअस For x is less than 2। केस सेकंड देखते हैं when x is greater than 2। जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो fx की जो वैल्यू होगी वो होगी 2x minus 3। दिस इज ऑल्सो अ पॉलीनोमियल फंक्शन और जब ये पॉलीनोमियल फंक्शन है तो ये एवरीवेयर कंटिन्यूस होगा और ये एवरी वे कंटिन्यूस होगा तो x इज इक्वल टू 2 यहां x इज ग्रेटर देन 2 के लिए भी कंटिन्यूस होगा। सो fx इज कंटिन्यूस फॉर x इज इक्वल टू 2। नाउ वी विल टेक केस थर्ड व्हेन x इज इक्वल टू 2। अब 2 के ऊपर क्या है फंक्शन हमारा दो बार में ब्रेक हो गया, एक बार 2x + 3 हो गया, एक बार 2x - 3 हो गया। तो फंक्शन 2 पे ब्रेक हो रहा है तो यहां हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे बाय द फॉर्मूला LHL इक्वल RHL इक्वल F2 at x is equal to 2। LHL हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा f2 माइनस h। h जो होता है बहुत छोटी वैल्यू होती है तो 2 पर से वहां h माइनस करेंगे तो यहां बनेगा 2 से छोटी वैल्यू के लिए, 2 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन रहेगा 2x + 3 मींस x की जगह आ जाएगा 2 माइनस h। तो 2 माइनस h प्लस 3 लिमिट पुट कर देंगे तो बन जाएगा 2 माइनस 0 प्लस 3 4 प्लस 3 7 LHL आगे 7। Now we will find out RHL। RHL फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx लिमिट h टेंड्स टू 0 ये बन जाएगा f2 प्लस h। 2 प्लस h के लिए मीन्स 2 से बड़ी वैल्यू के लिए, 2 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन बनेगा हमारा 2x माइनस 3 यानी कि x की जगह पुट कर देंगे 2 प्लस h तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 टू 2 प्लस h माइनस 3 लिमिट पुट कर देंगे 2 प्लस 0 माइनस 3 4 माइनस 3 1। तो हियर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। Hence, fx is discontinuous at x is equal to 2। This is your final answer. Now our next question is find all the point of discontinuity of f। Means हमें यहां पर सारे points जहां जहां ये आपका फंक्शन डिस्कंटिन्यूअस है वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं।
एक्स इज द रियल नंबर, और जो फंक्शन है हमारा वो तीन पीस में डिवाइडेड है, व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू -3 तो एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी मोड एक्स प्लस 3, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3 देन द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज -2x, और व्हेन द एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 6x+2। अगर हम यहाँ फर्स्ट केस लेते हैं तो x की वैल्यू जो है -3 से छोटी है, -3 छोटी है तो जब x की वैल्यू -3 से छोटी होगी when x is less than -3 केस फर्स्ट, when x is less than -3 देन fx की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी मोड x प्लस 3, मोड x कंटिन्यूस होता है एवरीवेयर, कॉन्स्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस होता है एवरीवेयर, तो दोनों का सम भी क्या होगा कंटिन्यूस होगा, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर एक्स इज लेस देन -3। के सेकेंड में हम लोग ले लेते हैं जब एक्स की वैल्यू -3 और 3 के बीच में आएगी, व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर देन -3 देन द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज -2x which is a polynomial function, hence fx is continuous everywhere, और जब fx continuous हो everywhere तो x की इन वैल्यू के लिए भी fx continuous होगा। Now case third, when x is greater than 3, जब x 3 से बड़ी है then fx जो होगा वो होगा 6x+2 which is a polynomial function, hence fx is continuous at x is greater than 3। Now fx -3 से छोटी वैल्यू के लिए कंटिन्यूस है, -3 से लेकर 3 तक के लिए वैल्यू के लिए कंटिन्यूस है, और 3 से बड़ी वैल्यू के लिए कंटिन्यूस है। नाउ वी विल चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -3 एंड एट x इक्वल टू 3 बाय द फॉर्मूला ऑफ LHL इक्वल RHL इक्वल FA। केस 4, एट x इक्वल टू -3 तो -3 में हम LHL फाइंड करेंगे, तो लिमिट x tends to -3 negative fx ये बन जाएगा लिमिट h tends to 0 f -3 माइनस h, -3 माइनस h मतलब -3 से छोटी वैल्यू के लिए, तो -3 छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन बनेगा ये वाला, ये बन जाएगा लिमिट h tends to 0 -3 माइनस h प्लस 3, लिमिट पुट करेंगे -3 + 3 ये बन जाएगा मोड 3 खोलेंगे तो 3 आएगा, 3 + 3 = 6। नाउ आर एच एल लिमिट एक्स टेंस टू -3 पॉजिटिव एफ एक्स ये बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ -3 + h लिमिट एच टेंस टू 0 -3 + h के लिए जो फंक्शन को करेंगे मीन्स फंक्शन हमारा एक्स की वैल्यू जो है -3 + h से बड़ी है, तो -3 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन बन जाएगा -2x, यानी कि ये बन जाएगा -2x की जगह आ जाएगा -3 + h, h की जगह 0 पुट कर देंगे तो -2 - 3 + 0 ये बन जाएगा 6, LHL भी 6 आ गया, RHL भी 6 आ गया। Now we will find out f minus 3, f minus 3 means x cube minus 3 के इक्वल है, तो x cube minus 3 यहाँ इक्वल है तो फंक्शन बनेगा ये वाला, तो ये बन जाएगा -3 mod -3 + 3 3 + 3 = 6 means LHL equal RHL equal f minus 3, hence
fx is also continuous. At x is equal to minus 3. Now in case we have at x is equal to 3, इसका एल चल आएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव एफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ 3 माइनस एच मीन्स 3 से छोटी वैल्यू के लिए, तो 3 से छोटी वैल्यू के लिए जो फंक्शन आएगा वो लगेगा माइनस टू एक्स, यानी कि ये बन जाएगा माइनस टू 3 माइनस एच, लिमिट पुट कर देंगे माइनस टू 3 माइनस 0 मीन्स आंसर आएगा माइनस 6. Now we find out RHL limit x tends to 3 positive fx given jaga limit h tends to 0 f 3 plus h limit h tends to 0 f 3 plus h 3 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन है हमारे पास ये वाला 6 x की जगह आ जाएगा 3 plus h plus 2 डबल पुट कर देंगे तो 3 6 3 प्लस 0 प्लस 2 ये बन जाएगा आपका 20 मींस एलएचएल आ रहा माइनस 6 एंड आरएचएल आ रहा 20 सो एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल हेंस एफएक्स इज नॉट कंटीन्यूअस एट x is equal to 3. So this is the point of discontinuity.